हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल्स कुकिंग पॉइंट। आज मैं बना रही हूँ सूजी पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा मैं पैन में बनाऊँगी सूजी से। तो मैंने लिया है सूजी 1 कप, दही 2 बड़े चम्मच, नमक, बटर 2 चम्मच, पिज्ज़ा सॉस, इसमें मैंने टोमेटो केचप भी मिला लिया है, और ये कुछ कटी हुई सब्जियाँ हैं, टमाटर के टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, प्याज के, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, मोजरेला चीज लिया है मैंने 50 ग्राम, चिल्ली फ्लेक्स है, पिज्जा हब्स, और ये छोटा चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, और 1 पिंच बेकिंग सोडा है। तो सबसे पहले पिज्ज़ा का बेस बनाने के लिए हम ये सूजी का डो बनाते हैं। सूजी में डालेंगे दही, एक चम्मच नमक, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अभी मिला लिया, अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। पानी इसमें बहुत ज़रा सा डालेंगे, अभी डो बन गया है। इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, ये सूजी अच्छे से फूल जाए, फिर हम पिज्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये सूजी हमारी फूल गई है अच्छे से। अब इसको बेल लेंगे। इसको मोटा गोल सा रोटी के जैसे बेल लेंगे, जैसे पिज्जा बेस होता है वैसे ही, उतना ही मोटा रखना है हमको, इसे बहुत पतला नहीं करना है। ये पिज्ज़ा मैं पैन में बना रही हूँ, तो गैस पे हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। ये मैंने गार्लिक बटर लिया है, इससे पिज्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है। अब इस बेस को हम इस पे रख देंगे, और गैस की फ्लेम हम मीडियम करके इसको 2 मिनट इस साइड से सेकेंगे, 2 मिनट तक हम सेकेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम पलट लेते हैं। यही कलर चाहिए था हमको, गोल्डन ब्राउन हल्का सा। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, इस पे लगाएंगे ये पिज्ज़ा सॉस। इसमें मैंने टोमेटो केचप मिला लिया था, इससे बहुत अच्छा बनता है ये पिज्ज़ा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। इस पे डालेंगे मोजरेला चीज, डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, डालेंगे इसमें टमाटर, डालेंगे इसमें प्याज, हम डालेंगे इसमें
कॉर्न, थोड़ा सा चीज़ हम ऊपर से डाल देंगे। और इसे ढक करके गैस ऑन करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। 5 मिनट हो गया, अब देखते हैं हमारा पिज्जा। पिज्जा बिल्कुल तैयार है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब इस पर डालेंगे ये चिली फ्लेक्स, पिज्जा हब्स, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम निकालते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म पिज्जा हमारा तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बड़े ही आसानी से बन जाता है।